Just a second. All right, so yeah, so we'll start with this lecture two, and after a quick recap, I think abhi recording start ho gaya na, huh? I will start with couple of questions. You know, based on the combined gas law that you studied, okay, thoda sa graph se related ek do questions karunga, and then I will help you apply those combined gas laws or those intermediate laws that we studied one by one, wherein you know, the language of the question is going to be extremely important. Theek hai, to beech beech mein I will you know, stop the screen share so that I can prepare the questions. Otherwise aap logo ko answer pehle hi pata pad jayega to fir point nahi rahega. So I will oops, quickly just talk about the heading combined gas law, and isme, if you remember, PV by T was constant. Okay, that was our understanding of combined gas law. Based on this, let me ask you a couple of graph related questions. Okay, let me prepare those questions aur fir se main screen share karunga. All right. Now, ठीक है, आंसर करो. So when I say, so let's focus on the first graph. That what you have to do is identify the relationship between T1, T2, T3 of a graph that has been drawn with P on the y-axis and 1 by V on the x-axis. हाँ, तो आपको T1, T2, T3 में रिलेशनशिप बताना है, इन द सेंस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. हाँ अली, हम लोग अली एंड अमन, हम दोनों अमन, हम दोनों रियल गैसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद. अभी आइडियल गैसेस का डिस्कशन है, तो उसमें जो गैस कांस्टेंट है वो एक कंसिस्टेंट वैल्यू लेनी है सबके लिए. हाँ ईशान आपका सही है, नहीं सर्वेश, हर्ष, गौतम, नहीं आप तीनों का सही नहीं है. हाँ गौतम ने और अब सही करके दिया है, ध्रुव, अमान, सर्वेश ने. हाँ ऑफकोर्स, अब तो तुम दोनों बदल लोगे ना जो मैंने आंसर बोल दिया कि तुम्हारा गलत है, तो यू विल गो विद द ऑपोजिट ट्रेंड, बट ऑल राइट. सो द करेक्ट आंसर इज T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1. अच्छा अब इसके बारे में कैसे सोचा, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, ठीक है. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, पी वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट,
ठीक है राइट, या फिर आप इसको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से भी डील कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो इफ आई हैव द ग्राफ विच इज बिटवीन पी एंड वन बाय वी, राइट, यू कैन नोटिस दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन बाय वी इज द एक्स एक्सिस. तो ये ग्राफ लीनियर आना चाहिए था एंड दैट इज वेरी लीनियर ये ग्राफ, ठीक है. बट यू कैन सी दैट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ is equal to nrt, ठीक है. So you can see that greater slope would imply greater temperature. So between these three lines, slope of the third line is maximum. So T3 is greater than T2 is greater than T1, right? ये एक तरीका हो गया सोचने का, ठीक है, स्लोप के हिसाब से, ठीक है. और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने जस्ट ये एक तरीका आपको बताया है, ठीक है. अगले वाले के बारे में सोचो, इसका आंसर क्या रहेगा, P1, P2, P3 के बीच में रिलेशनशिप. एंड मैं इसमें आपको एक डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए बताऊंगा फिर. हाँ राइट ईशान, राइट अमान, नहीं श्रव्या, उल्टा होगा. हाँ राइट गौतम, राइट, नहीं हरिओम, उल्टा होगा. अवनी आपने ग्रेटर देन इक्वल टू तो बताया नहीं, आपने तो P1 P2 P3 P4 लिख दिए. कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इज इट एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ऑल राइट, सो लेट मी रिवील द आंसर. द करेक्ट आंसर इज P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है. अब इस केस में आप देखो स्लोप से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, बट मैं चलो डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको आंसर करके बता देता हूँ. सो लेट्स से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है. ये वैल्यू ऑफ वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है, थोड़ा अच्छे से खींच देता हूँ. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है. एंड यू कैन सी दैट योर हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिफरेंट ग्राफ्स को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पे कट कर रही है. दिस विल करस्पॉन्ड टू T1, दिस विल करस्पॉन्ड टू T2, दिस विल करस्पॉन्ड टू T3 एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू T4, ठीक है, फॉर द फोर ग्राफ्स. नाउ यहाँ पर अब आप नोटिस करना, गिवन वी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और V को कांस्टेंट बोल दिया, है ना. तो हमने क्या सीखा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है. नाउ फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी दैट T4 विल बी ग्रेटर देन T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1, राइट. एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर मार्क हो रहा है, तो क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इम्प्लाइज P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1. आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है. ये मैंने एक और डिफरेंट तरीके से आपको सोचने के लिए बताया, दैट यू कुड हैव आंसर्ड द सेम क्वेश्चन बट इन दिस मैनर, ठीक है, दैट गिवन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट लिया हमने, राइट, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द प्रेशर. आप स्लोप से भी जा सकते थे, ठीक है, यू कुड हैव ऑल्सो गॉन वाया द स्लोप बेस्ड अप्रोच. स्लोप बेस्ड अप्रोच में कैसा होता, यहाँ पर आप नोटिस करना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है एंड वी वर्सेस टी का ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है. तो वी इज इक्वल टू एनआर बाय पी इंटू टी, राइट. सो यू कैन सी दैट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड नाउ यू कैन सी दैट द स्लोप
इज इक्वल टू एन आर बाय पी, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है. ग्रेटर स्लोप इंप्लाइज लेसर प्रेशर इन दिस केस, क्योंकि यहां पर ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया स्लोप और पी के बीच में, तो आप वैसे भी सोच सकते थे, ठीक है. नाउ लास्ट वाले का आंसर बता दो. हाँ राइट अमान, राइट ईशान, राइट साकेत, करेक्ट. चलो इस बार आप लोग सब अब आंसर दे रहे हो, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है, किस तरीके से आंसर देना है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर में वी फोर इज द हाईएस्ट, ठीक है. किस तरीके से, इसी तरीके से आप आंसर दे सकते हो, मतलब इस बार मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से आंसर देने की कोशिश करता हूँ. मैं इस बार वर्टिकल लाइन फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, गिवन टेम्परेचर फिक्स कर लेता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप नोटिस करना व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है. दिस विल बी पी फोर, दिस विल बी पी थ्री, पी टू, पी वन, है ना. सो यहाँ पर इस बार मैंने वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक है, गिवन टी इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि मैंने वर्टिकल लाइन लिया ना, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है. तो प्रेशर कैसा दिख रहा है ग्राफ से, पी वन सबसे ऊपर है, पी वन इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री इज ग्रेटर देन पी फोर, तो वॉल्यूम का क्या रहेगा, उल्टा रिलेशनशिप, V1, V2, V3, V4 will be in an increasing order. Why? Because there is an inverse relationship between T and V for a given temperature. Slope se bhi aap ja sakte the. That is again up to you. Okay, so I hope ye aapko samajh mein aaya how to use this graphs. Okay, ek aur question karwa deta hu main. Let me get the question first. Fir se main स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपके साथ में. ऑल राइट. अरे सॉरी, अधूरा रह गया क्वेश्चन, फोटो तो आया नहीं. राइट, ऑल राइट. अब बताओ टी वन, टी टू, टी थ्री में क्या रिलेशनशिप रहेगा. नहीं नहीं जल्दबाजी मत करो, तीनों का आंसर गलत है. सर्वेश, ईशान, प्रशस्त. हाँ प्रांजल का सही है, ध्रुव का सही है. हाँ राइट सर्वेश, राइट कुणाल. हाँ नहीं हर्ष, नहीं आदित्य, नहीं रोहित. अब ईशान ने सही दिया है. राइट अमन, नाउ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. हाँ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. वापस से किस तरीके से यहाँ पे आप जा सकते हो, लेट्स से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है. अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो ये वी थ्री हो गया, ये वी टू हो गया, और ये V1 हो गया, राइट, करस्पॉन्डिंग टू देयर ग्राफ्स, राइट. सो यू कैन सी दैट इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ग्राफ से दिख रहा है. V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ठीक है.
राइट, गिवन पी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, पर्टिकुलर प्रेशर के लिए, राइट, कैसा दिखेगा आपको? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट, सो टी थ्री टी टू टी वन के बीच में ऐसा रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप. आप एक वर्टिकल लाइन से भी सोच सकते थे, दैट वुड हैव आल्सो सर्व्ड द पर्पस, ठीक है. और यू कैन नाउ थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर, मतलब जैसे ये पी वर्सेस वी ग्राफ है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर ये हाइपरबोला होता है, ठीक है. इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर तो ये हाइपरबोला आउटवर्ड शिफ्ट करता है, इफ आई डिक्रीज टेम्परेचर देन दिस हाइपरबोला शिफ्ट्स इनवर्ड्स. ठीक है, हाँ बोलो हर्षल. सर आपने वो ऊपर के सम्स किए थे ना, उसमें लाइक हमने बोला कि y सपोज p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v या वैसा कुछ भी, तो लाइक p इज इनवर्सली इज इक्वल टू 1 बाय v, तो हम स्लोप लेफ्ट में क्यों लिखते हैं? स्लोप लेफ्ट में क्यों लिखते हैं, मतलब बिकॉज लीनियर ग्राफ्स की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c विच रिप्रेजेंट्स द स्लोप. हां सर, m रिप्रेजेंट तो राइट में आना चाहिए ना स्लोप वर्ड, लाइक मतलब सर मतलब बोल रहा था लाइक 1 बाय स्लोप विल बी nrt, राइट, क्योंकि लाइक mx है ना और x तो राइट हैंड साइड पे है. हाँ तो यहाँ पर भी तो ये राइट हैंड साइड पर ही है, y is equal to mx plus c जब हम बोल रहे हैं तो इसमें y लेफ्ट हैंड साइड पर है. Yes. और x राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर भी y लेफ्ट हैंड साइड पर है और x राइट हैंड साइड पर है. और y is the slope, तो प्रेशर के बिना स्लोप का जो कोफिशिएंट होता है ना, हाँ वो स्लोप होता है. ओके, तो ये x s का कोफिशिएंट है ये nrt, वैसे जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट m है वो स्लोप होता है. हाँ ओके सर, थैंक यू. ठीक है, एंड कोफिशिएंट जब y का, मतलब फॉर एग्जांपल ये आप थोड़ा मैथ्स पढ़ोगे आई थिंक, कल को मान लो मैं इस तरीके से लिख दूं ए वाई प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है, तो पहले आपको इसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, y का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे कि ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है. समझ में आया? हाँ सर, थैंक्स. ऑल राइट, नाउ अब मैं आप लोगों के साथ में, ये तो ग्राफ्स रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हो गए, अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज, बट जो फोकस रहेगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है, प्राइमरी फोकस रहेगा लैंग्वेज, ठीक है, एंड मैं आपके साथ में कुछ 5-7 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी यू नो वो क्वेश्चंस हो जाते हैं खुद से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट अगर लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड होल्ड ऑफ दोज क्वेश्चंस, तो उसको एक लर्निंग कर्व समझना, क्योंकि ये लैंग्वेज का जो पार्ट रहता है वो क्वेश्चन से ही सीखना होता है, ठीक है, द मोर क्वेश्चन यू प्रैक्टिस द मोर कंफर्टेबल यू विल गेट एट इट, क्योंकि थ्योरी तो यही है, थ्योरी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बस वही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बाकी जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंड करना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. सो आई विल जस्ट पुट द हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट terms and application or applications of ideal gas law, ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये terms notice कराता जाऊंगा, that is what my key objective of this you know exercise would be, ठीक है, एक एक करके I'll take those questions.
कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे करना है, बट फर्स्ट आई वुड वांट यू टू टेक एन अटेम्प्ट। KPa stands for किलो पास्कल, मतलब 250 into 10 की पावर 3 पास्कल है। MP is melting point. राइट ईशान, राइट साकेत, हाँ राइट अमन, दोनों ईशान सही है। इट विल ब्लो अप, राइट, गुड। सो अब यहां पर जिस इसको नहीं समझ में आया है तो ध्यान से लैंग्वेज ऑब्जर्व करना क्वेश्चन का। आयरन सिलेंडर के बारे में बात करा जा रहा है। नाउ वन व्हेन आई रीड दिस आयरन सिलेंडर, ठीक है, तो मेरे दिमाग में अब थॉट प्रोसेस क्या आएगा, दैट इट्स अ रिजिड वेसल। ठीक है, अरे एक मिनट, हाँ तो यहां पर ऑब्जर्व करना, आयरन सिलेंडर व्हाट डज इट मीन, दैट नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम is constant, ठीक है, that is p initial upon t initial will be equal to p final upon t final. So this is something जहां पर ये language of the question made an impact कि आपको gas का analysis करना है and जो situation है वो एक iron cylinder के अंदर gas रखा हुआ है तो definitely उसका moles and volume are not going to change, ठीक है, of course temperature is changing, you might say thermal expansion and all, but as you can see there is no such data that is given in the question, ठीक है, so you don't really need to bother about that. Now अब यहाँ पे आप नोटिस करना, इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 250 किलो पास्कल, which is to be read as 250 into 10 raised to the power of 3 पास्कल,
एंड इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड गया है विच इज टू बी रेड एज 300 केल्विन. ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लीज यूज टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, नाउ मैक्सिमम प्रेशर दैट द सिलेंडर कैन विदस्टैंड इज 10^6 पास्कल. राइट, दैट मीन्स वी कैन डिटरमाइन कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम गैस को हीट कर सकते हैं. राइट, सो इफ यू अप्लाई दिस रिलेशनशिप विल गेट टी मैक्स इज इक्वल टू, राइट, यू कैन अप्लाई पी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल, और इनफैक्ट उल्टा कर देता हूँ मैं, टी मैक्स विल बी इक्वल टू टी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इन टू पी मैक्स. तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1200 केल्विन. सो वॉट इज हैपनिंग इज एज यू कैन सी ग्राफिकली ऑल्सो, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है, बट देर विल कम अ पॉइंट 1200 केल्विन पर जहां पर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि इट विल रीच द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो और आगे है कहीं, 800 केल्विन इज मच अहेड. यहां पर ही हमारा सिलेंडर ब्लो अप हो जाएगा. ठीक है, इस टेम्परेचर पे रीच करने पर ही उसको मेल्ट होने के लिए तो और हाई टेम्परेचर रहेगा. तो वी कैन कंक्लूड दैट द सिलेंडर ब्लोज अप बिफोर इट मेल्ट्स. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एनी डाउट? क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन से ही लर्निंग आएगी, एंड अगर डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, यू कैन आस्क द सिलियस्ट ऑफ द डाउट्स ऑल्सो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन से ही सीखेंगे. Why does it blow is because in the question it is written now that the cylinder can withstand a pressure of this much only. इससे ज़्यादा अगर pressure अपन apply कर देंगे तो cylinder blow up हो जाएगा. Thermal expansion will make an impact practically speaking, but क्योंकि question में उसका कोई data दिया नहीं है तो फिर हम लोग उसको consider नहीं करेंगे. We'll have to ignore it. ठीक है, हाँ, देन गौतम क्या डाउट है तुम्हारा, इज इट रॉन्ग इफ वी कैलकुलेट प्रेशर फ्रॉम T1? तो T1 से तो प्रेशर दिया हुआ है ना इनिशियली, तो तुम उसमें कैलकुलेट क्या करोगे? हाँ, सो गुड क्वेश्चन आदित्य. आदित्य का यही क्वेश्चन है, सर हाउ टू कंक्लूड व्हाट इज टू बी टेकन कॉन्स्टेंट. तो दिस इज व्हाट इज द लर्निंग दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द क्वेश्चंस आदित्य. इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये वर्ड्स, ठीक है, ये टर्म्स हाईलाइट कराता जाऊंगा. तो ये ऐसी लर्निंग्स है जो क्वेश्चंस के थ्रू ही आती जाएंगी. जैसे सिलेंडर है तो अब उसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि सिलेंडर का सिचुएशन है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, तो ये चीजें, ये यही इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज व्हाट आई वुड वॉन्ट यू टू लर्न प्राइमरीली. ठीक है, हाँ, अब तुम फालतू फालतू डाउट मत पूछो यार. मतलब कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम? सिलेंडर ब्लो अप हो जाएगा तो मेल्ट होने के लिए क्या बचेगा? कोई मूवी थोड़ा चल रही है तुम, ऐसे एकदम ओवर ड्रामेटाइज मत करो सिचुएशन को. हाँ बोलो हर्षल. असल मतलब हम अस्यूम कैसे कर रहे हैं कि N एंड V कांस्टेंट है? बिकॉज़ ये सिलेंडर है. सर हम ऐसे ही जो नहीं दिया वो हम अस्यूम कर सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. देखो इसमें ना एक्चुअली बहुत ही तगड़ा कॉमन सेंस लगेगा, तो वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा. जो कॉमन सेंस है वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा इस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के साथ में.
ठीक है. एंड हाँ डेफिनेटली अगर कुछ दिया नहीं है किसी पैरामीटर के बारे में ओके तो फिर हम लोग जनरली स्पीकिंग उसको फिर अनचेंज्ड ही मानेंगे. ओके सर. अभी आते जाएंगे, मैं आपको अभी कराऊंगा 4-5 questions और कराऊंगा, अभी समझ में आएगा. थैंक यू. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ हाँ विवेक, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा उसमें, मतलब आएगा. नहीं अमान, तुम्हारा यूनिट्स गड़बड़ है. हाँ अब सही दिया तुमने आंसर. राइट हर्ष. नहीं ईशान, तुम्हारा आंसर सही नहीं है, उल्टा कर दिया तुमने रेशियो. हाँ राइट साकेत, राइट श्रव्या, राइट अली. हाँ राइट गौतम. डू वी हैव सम वन हु गॉट एन आंसर ऑफ 100 ml? हंड्रेड एम एल किसी का आंसर नहीं आया. और -100 ml? एक दो नोबेल पीस प्राइज विनर्स हमारे बीच हो. ये साइंस का तो नहीं मिलेगा अगर आप ये करोगे तो. सो ऑल राइट, नाउ हाउ डू यू वर्क विद दिस क्वेश्चन? यहाँ पे ऑब्जर्व करना. सो टेम्परेचर आपको बोला जा रहा है, चेंज करा जा रहा है, एंड प्रेशर. ठीक है, सो यहाँ पर देखो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन रीड करना. गिवन मास, गिवन मास का मतलब क्या हो गया? एन कॉन्स्टेंट है. ठीक है, एंड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑलरेडी बोला हुआ है, तो पी कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो एन कॉमा पी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? V initial upon T initial will be equal to V final upon T final. So V initial 100 ml हो गया. ठीक है, T final 15 degree centigrade हो गया. V final हमको निकालना है. ठीक है, और T final -15 degree centigrade है. इससे V final -100 ml अगर आपने निकाला है और आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हो तो फिर यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ. ठीक है, यहां पर अगेन माई रिक्वेस्ट विल बी प्लीज टेक केयर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, दैट इज द की लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन. यूज टेम्परेचर इन केल्विन ओनली. ठीक है, ये आप आदत बना लो. सो यहां पर 100 अपॉन 288 विल बी इक्वल टू वी फाइनल अपॉन 258, राइट? सो इससे आपका वी फाइनल आ जाएगा कुछ 89.6 या 89.5 ml. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, हाँ बोलो सर्वेश.
वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लेना होगा ना? नहीं चलेगा ना, अगर आप देखो यहाँ पर ml में ले रहे हो वॉल्यूम, तो आंसर फाइनल भी ml में ही आएगा। अगर आप लीटर में लेते तो फिर फाइनल आंसर भी लीटर में ही आता, बिकॉज यहाँ पे लीटर्स यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट होगा, तो ml में ही आएगा आंसर। मैंने मीटर क्यूब में लिया 10^-6 तो फिर आपका आंसर मीटर क्यूब में ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता तो बेटर रहता कि ml में आंसर देना है। ठीक है, नहीं वो क्वेश्चन का आई शुड से फ्लॉ है, बिकॉज क्वेश्चन शुड स्पेसिफाई। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और वेरिएशंस देखने को मिलेंगे आपको, दिखाऊंगा एक एक करके आप लोगों को। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, बलून दिया हुआ है, ईशान कृष्णा साकेत राइट, आप तीनों का आंसर सही है। सर्वेश तुम्हारा तो ऑप्शन से ही मैच नहीं कर रहा, कुछ केयरलेस मिस्टेक करा देखो। हाँ दीप, आपका आंसर भी करेक्ट है। नहीं अथर्व, हृदय आपका भी करेक्ट नहीं। हाँ प्रशस्त, अब आपका करेक्ट है। नहीं ध्रुव, हाँ राइट अमन।
All right, so the correct answer is B option. अब इसमें नोटिस करना, वापस से लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ये बलून है, बलून का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट लेना है. ठीक है, बलून के अंदर ये हमने देखा है कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर लेना होता है. एंड एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और वो यहां पर कैसा है, कॉन्स्टेंट. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप देखोगे यहाँ पर व्हेन यू रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, गैस अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, इफ्यूज हो रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है. ठीक है, और उससे साइज चेंज हो रहा है. ठीक है, तो एन चेंजेस, वी चेंजेस. ठीक है, दिस इज एज पर द क्वेश्चन, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. वॉट अबाउट टी, टी के बारे में नथिंग इज मैंशनड. तो अब मैं क्या करूं, टी को कॉन्स्टेंट मान लूंगा. ठीक है, दैट इज द ओनली वे आउट, अदरवाइज फिर आई विल बी स्टक विद डेटा इनसफिशिएंट क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस मीन्स अगर पी एंड टी कॉन्स्टेंट है, देन एन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी, राइट, एन इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल अपॉन वी फाइनल. ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स एक और अजम्पशन जा रहा है कि हम लोग बलून को स्फेरिकल मान रहे हैं. ठीक है, राइट, सो अब आप ऑब्जर्व करना, सिंस मास इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, आई कैन ऑल्सो यूज m initial upon v initial is equal to m final upon v final. ठीक है, initial 8 gram का mass है and volume 4 by 3 pi r cube. ठीक है, तो initial radius कितना था, 20 centimeter. ठीक है, जिसमें मैंने assumption लिया है कि ये spherical balloon है. एंड मास फाइनल कितना होगा, यहाँ पर नोटिस करना, 7 ग्राम इफ्यूज्ड फ्रॉम इट. ठीक है, तो ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन इज दैट मास फाइनल इज 1 ग्राम, 7 ग्राम्स ऑफ द गैस नियॉन. ठीक है, 7 ग्राम ऑफ गैस इफ्यूज्ड आउट. ठीक है, तो आई थिंक सर्वेश तुम शायद यही गड़बड़ कर रहे थे, यू वुड हैव टेकन कि 7 ग्राम्स अंदर बचा हुआ है. ठीक है, 4 बाई 3 पाई इंटू, अब नया आर का क्यूब आपको निकालना है. तो इससे अब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट न्यू रेडियस टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट द इनिशियल वाज, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हाँ हाँ, वी अज्यूम इट्स अ थिन मेम्ब्रेन ओनली, ताकि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर के अजम्पशन जाएगा ही सही. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे विवेक, दे विल नॉट गिव यू सच ऑप्शन लाइक डेटा इनसफिशिएंट और समथिंग काइंड ऑफ ऑप्शन टू मेक इट मोर कंफ्यूजिंग, वैसा नहीं होगा. ठीक है, इवन अगर मान लो यहाँ पर नन ऑफ दीज करके ऑप्शन आ रहा होगा, तो भी आप ये नहीं सोचोगे कि टेम्परेचर नहीं दिया तो कुछ भी आंसर हो सकता है, तो मैं नन ऑफ दीज मार्क कर दूं, वैसा मत करना. नन ऑफ दीज ऑप्शन आंसर रेयरली होता है. ठीक है, हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ बोल रहा मैं, ये तो बोल रहा हूँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मोल्स अंदर की गैस बाहर लीक हो रही है ना, तो बलून श्रिंक हो रहा है. हाँ, प्रेशर अभी भी मेंटेन्ड ही है ना, मतलब जैसे ही मान लो आप इमेजिन करो ना कि आपने ये बलून था, ठीक है, इसमें ये होल करा, गैस बाहर निकली और फिर से आपने यहाँ पे हाथ लगा दिया, ठीक है, तो प्लग दैट होल, तो प्रेशर तो वही रहेगा ना जो अंदर और बाहर का था, 1 atm.
It's just that the gas leaked out and as a result, the volume decreased. ठीक है हाँ मैं वही बता रहा हूँ हृदय यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन करा ना प्रेशर कांस्टेंट है दे हैव नॉट मेंशन दैट वो हमको ही डिसाइफर करना था फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ठीक है दैट इज व्हाई ये मैं इसीलिए हाईलाइट करा रहा हूँ आपको कि ये कुछ लर्निंग्स है जो क्वेश्चन से लेनी पड़ेंगी ठीक है व्हाई इज एंड डिक्रीजिंग बिकॉज गैस इज इफ्यूजिंग आउट फ्रॉम इट ना इफ्यूजिंग आउट मतलब यू नो कमिंग आउट तो बलून के अंदर की गैस का क्वांटिटी कम होगा तो मोल्स कम होंगे ना समझ में आया How is moles proportional to mass? Moles और mass का relationship होता है ना? Moles क्या होता है? Mass upon molecular weight. नहीं अभी अमन तुम्हारा question is not relevant. थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा पढ़ रहे हैं हम अभी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब इन सबको आंसर करेंगे हाँ हाँ रियल वर्ल्ड में भी देखो जो कैलकुलेशंस होंगे वो इससे बहुत ज्यादा डेविएटेड नहीं होंगे दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग आइडियल गैस फर्स्ट ठीक है रियल गैस में ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन डेविएशंस बट इट विल नॉट बी एज यू नो सिग्निफिकेंट कि यू नो बहुत ही गलत आंसर आ गया आसपास आंसर आ जाएगा तो भी चलेगा ठीक है हाँ यहाँ पर डोंट टेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग आर टू बी इन द प्रोपोर्शनैलिटी बिकॉज वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है ठीक है तो वो गड़बड़ मत करना यहाँ पर वॉल्यूम is proportional to r cube don't just replace volume with r theek hai dhruv all right dekho isi tarike se dheere dheere learning aati rahegi aapko in type ke questions se theek hai all right next question try karte hain वापस से अगेन द स्ट्रेस विल बी ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ध्यान से समझना
नहीं अमन आपका आंसर नहीं है सही। हाँ प्रशस्त और ईशान जैन, हाँ आप दोनों का आंसर सही है। राइट राज, करेक्ट आंसर। हाँ राइट सहाना। अभी आपने सही दिया आंसर अमन, राइट अथर्व। नहीं हृदय, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हर्ष। हाँ राइट आश्रय, राइट प्रांजल। ऑल राइट मैं दे देता हूँ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा 100%। ऑल राइट सो नोटिस करना यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देर इज दिस लेक का सरफेस, ठीक है, एंड देर इज दिस लेक का बॉटम, ठीक है। नाउ अ स्फेरिकल बबल, ठीक है, बबल बोला जा रहा है, तो अगेन इट इज सिमिलर टू बलून ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, इज राइजिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द लेक, ठीक है, जहां पर प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी है। तो यहाँ पर प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, ठीक है, एंड ये बलून होगा, एज इन बबल होगा। तो इस बबल के लिए भी विल हैव टू थिंक इन द सेम मैनर लाइक वी डिड फॉर अ बलून ओनली, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर मानेंगे, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल विच इज गिवन टू यू एस पी, ठीक है। अब ये बलून ऊपर राइज कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ सरफेस पर ही आ गया है, सरफेस पर प्रेशर दिया हुआ है पी बाय फोर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होगा, जो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द बलून होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज पी बाय फोर के बराबर होगा, ठीक है। एंड यू कैन रीड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन दैट द साइज ऑफ द बलून इज चेंजिंग, ठीक है। तो आउट ऑफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी चेंज हो रहा है, टी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है। What is constant is N and R, ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी गैस बबल के अंदर थी उतनी रहेगी ना, कुछ एड सब्ट्रैक्ट या लीक तो हो नहीं रही है। सो बाय रीडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वी अंडरस्टूड हाउ टू नाउ रीड द क्वेश्चन। सो दिस इम्प्लाइज पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल वुड बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल अपॉन टी फाइनल, ठीक है, ये समझ में आया, ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से समझना जरूरी है। नाउ अब यहां पर इनिशियल प्रेशर पी है, इनिशियल टेम्परेचर टी है एंड इनिशियल वॉल्यूम वी है, ठीक है। तो रेडियस के हिसाब से अगर सोचना है तो 4/3 पाई आर क्यूब है, आर इनिशियल क्यूब। अब टी फाइनल पी बाय फोर है, टेम्परेचर टू टी है, और वी फाइनल 4/3 पाई आर फाइनल का क्यूब होगा। तो यहां से यू कैन सी दैट आर फाइनल विल बी ट्वाइस ऑफ आर इनिशियल, ठीक है, ये पी टी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 आर आई क्यूब इज इक्वल टू आर एफ क्यूब, तो आप क्यूब रूट लोगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, इट विल बी डेल्टा आर अपॉन इनिशियल आर इंटू 100%, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज ऑल्सो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, पूरा सब अच्छे से सॉल्व कर दिया और फिर यहाँ पे आके गड़बड़ करके गलत आंसर कर दिया। आई होप आपको ये परसेंटेज चेंज लिखना आता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इज द चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू,
हाँ मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई तो ये गड़बड़ करता ही है। ठीक है मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ बुकलेट से ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन ये। हाँ ये पी बाय फोर का फोर डिनोमिनेटर में आएगा ना ऑफ कोर्स। ऑल राइट ठीक है। सो आई थिंक आपको अभी एक आइडिया लग रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी प्रोसीड विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट अ ग्रिप ऑन दिस। ट्राई करो। राइट अमान, राइट ईशान। हाँ अब तुमने सही दिया है दीप। राइट सर्वेश, राइट हृदय। नहीं कृष्णा ये पूछा है कितना बाहर जा रहा है, हाउ मच ऑफ इट गोज आउट। हाँ राइट। सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, इट इज बी ऑप्शन, 1/4 ऑफ द गैस गोज आउट। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगेन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये ओपन वेसल के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है तो ओपन वेसल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब आप यहाँ पे नोटिस करना। राइट ओपन वेसल का मतलब हो जाएगा जो प्रेशर अंदर होगा, ठीक है प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बिकॉज यहाँ पर जो गैस रहेगी राइट वो सेम प्रेशर पे रहेगी ना, बिकॉज ओपन है वेसल। तो अगर अंदर का प्रेशर कम हुआ तो बाहर से गैस अंदर आ जाएगी टू इंश्योर दैट द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। राइट या फिर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था और मैंने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ अंदर से गैस बाहर चली जाएगी टू इंश्योर दैट द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। ठीक है नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अब मुझे इनसाइड आउटसाइड डिफाइन करना है। ठीक है क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ना कितना गैस इनसाइड है कितना गैस आउटसाइड है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सो टू डिफाइन
इनसाइड ऑफ एन ओपन वेसल वी नीड टू ड्रॉ एन इमेजिनरी बाउंड्री. ठीक है, ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहां पर मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर दूंगा और बोल दूंगा अब जो भी इसके अंदर है इट इज इनसाइड एंड वॉट एवर इज अबव दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज आउटसाइड. ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मैं हीटिंग एंड ऑल भी करूंगा तो आप नोटिस करना इफ आई डू द हीटिंग एंड ऑल चेंज द टेम्परेचर तो होगा क्या. ठीक है, यहां पर से गैस ठीक है बाहर निकलती चली जाएगी. ठीक है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो. ठीक है, प्रेशर तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट हीटिंग अप ठीक है एनी फ्लक्चुएशन इन प्रेशर इज गोइंग टू बी सून इक्वलाइज्ड बिकॉज द वेसल इज ओपन. गैस अंदर बाहर हो सकती है. ठीक है, वॉल्यूम हमने फिक्स्ड कर दिया. ठीक है, बिकॉज ये इमेजिनरी बाउंड्री बनाकर हमने बता दिया है कि ये इतने पोर्शन को इनसाइड बोलेंगे उतने पोर्शन को आउटसाइड बोलेंगे. ठीक है, दस व्हाट यू कैन सी हियर इज एन एंड टी आर गोइंग टू वेरी. ठीक है, किस तरीके से दे आर गोइंग टू वेरी. इफ यू रिमेंबर द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी राइट. तो इसका मतलब एन एंड टी will be constant n multiplied by t. n initial t initial will be equal to n final t final. So initial moles n maan lo, initial temperature 300 maan lo, to final moles at 400 kelvin will be 3/4 of what was initially present. So iska matlab delta n jo change hua wo aapka n final minus n initial ho jayega, that is n by 4 theek hai effused out. इतना फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन एफ्यूज्ड आउट. ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन एन इनिशियल 1/4. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं. ध्यान से समझना एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी डाउट्स देन गो अहेड एंड आस्क. हाउ इज एन वेरिंग, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आप गैस को हीट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसकी एनर्जी बढ़ा दोगे. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ठीक है यहां से देखो पहले क्या हो रहा था, ये ओपन वेसल था. ठीक है, ये टेम्परेचर 300 केल्विन पर है. ठीक है, एंड यहां पर क्या होगा दैट गैस के पार्टिकल्स अंदर से बाहर भी जाएंगे और बाहर से अंदर भी आएंगे क्योंकि ओपन वेसल है. बट 300 केल्विन पर ठीक है जितने मॉलिक्यूल्स ठीक है रेट आउट विल बी इक्वल टू रेट इन. इक्विलिब्रियम रहेगा ना बेसिकली. बट अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उससे बाहर जाने का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट we will see that the molecules which are inside वो कम हो जाएंगे. ठीक है, एंड फिर नया इक्विलिब्रियम भी आएगा. ठीक है, बट विद द लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड. ठीक है, हाँ वॉल्यूम क्यों सेम है, बिकॉज यहां पर देखो ना अपन ने इमेजिनरी बाउंड्री बनाई है. ये इमेजिनरी बाउंड्री बनाई है ओपन वेसल के लिए. तो ये इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर जितना है उसको मैं बोलूंगा कि ये इनसाइड है और जितना बाहर रहेगा वो आउटसाइड रहेगा. तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी ना उसकी. हाँ बोलो हर्षन. सर आप वॉल्यूम को इसलिए कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि हमने बोला था आइडियल गैस में वी कंसीडर ओनली द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड नॉट द गैस. वैसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक और तरीके से इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ. जनरली मैं ये तरीका करता नहीं हूँ क्योंकि स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं.
बट आप लोग पूछ रहे हो तो मैं एक बार आप लोगों को करके बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना. दिस माइट बी लिटिल ट्रिकी, ठीक है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन करने का तरीका था, ठीक है, इसमें आई हैव टेकन माई सिस्टम टू बी द वेसल, ठीक है? मेरा सिस्टम जो मैंने लिया है वो वेसल लिया है, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन का एक और सोल्यूशन ऑब्जर्व करना. इस बार मैं सिस्टम जो है वो गैस ले रहा हूं. सिस्टम इज टेकन एज गैस, ठीक है? तो इसका मतलब देखना, यहां पर ऑब्जर्व करना, एन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, वही मेरा सिस्टम है. सो अब होगा क्या, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, ये 300 केल्विन पर, ठीक है, एन मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है, 300 केल्विन पर, ठीक है, ओपन वेसल है. ओपन वेसल है तो प्रेशर कांस्टेंट, तो ये तो आई थिंक आप सबको समझ में आ ही गया है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, नाउ अब इसकी मैं हीटिंग कर रहा हूं, ठीक है, 400 केल्विन पर लेके जा रहा हूं. N कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है? तो यहां पर ये जो गैस हो जाएगा, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वी विल से दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज, ठीक है? ये जो गैस है इसका वॉल्यूम अब बढ़ जाएगा, ठीक है? दिस इज बिकॉज वी आर नाउ कंसिडरिंग गैस टू बी आर सिस्टम, ठीक है? तो अब यहां पर आप नोटिस करोगे दैट बिकॉज द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड ऑफ द गैस एंड वेसल का हमने इमेजिनरी बाउंड्री डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको हम लोग इनसाइड बोलेंगे और इसको हम लोग आउटसाइड बोलेंगे, ठीक है? एंड आप कंप्यूट करोगे कि कितना इनसाइड एंड कितना आउटसाइड मोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एज पर दिस विजुअलाइजेशन, ठीक है? सो यहां पर अब आप नोटिस करोगे, देखो टेम्परेचर कैसा हो रहा है, वी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल विल बी इक्वल टू वी फाइनल अपॉन टी फाइनल. तो ये आपका वी था और ये टेम्परेचर 300 केल्विन था. फाइनल वॉल्यूम आपको निकालना है, तो उससे आप निकालोगे दैट वी फाइनल इज इक्वल टू 4/3 वी इनिशियल, ठीक है? तो अब ये 4/3 इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो गया. तो यहां पर से अब आप समझोगे, ठीक है, यहां पे इसको लेकर जाओगे तो इनसाइड वॉल्यूम वी रहेगा और आउटसाइड वॉल्यूम वी बाय थ्री हो जाएगा, राइट? ताकि टोटल वॉल्यूम 4/3 वी रहेगा ना, ठीक है? सो अब आप नोटिस करना, नाउ इफ आई आस्क यू कि कितने मोल्स बाहर रह गए, कितने मोल्स अंदर आ गए, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है? नाउ आउट ऑफ द एन मोल्स दैट यू हैड, ठीक है, एन वन इनसाइड मान लो, ठीक है, एंड एन टू आउटसाइड मान लो, ठीक है? तो एक इक्वेशन हो जाएगी, एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एन, ये एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है? एंड दूसरी इक्वेशन आप यहां से निकाल सकते हो. देखो
इनिशियल जो रहेगा ठीक है, पी इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू 300, ठीक है, ये इनिशियल इक्वेशन रहेगी, ठीक है, ये इनिशियल इक्वेशन रहेगी। और यहां पर अब आप नोटिस करना क्या हो जाएगा, ये जो आउटसाइड वाला है, ठीक है, यहां पर और आउटसाइड अब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, प्रेशर तो वही रहेगा पी, वॉल्यूम वी बाय थ्री है, ये एन टू हो गया इंटू आर इंटू 400, ठीक है, तो एन टू कितना आ जाएगा, पी वी बाय 1200 आर, ठीक है, तो ये पी वी बाय आर को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां से, तो कितना आ जाएगा 300 N, ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा N2 will be N by 4, ठीक है, और you could have done it in other way also, ये मैंने एक तरीके से करा, ठीक है, अगर आपको ये तरीके से नहीं करना था तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया कि आउट ऑफ द एन मोल्स दैट वर देयर, ठीक है, एन वन इनसाइड और एन टू आउटसाइड है, ठीक है, और प्रेशर सेम है, एन वन आर इंटू 400 अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू आर इंटू 400 अपॉन वी बाय 3, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा दैट एन वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। So from 1 and 2, you can get that N1 is equal to 3N by 4 and N2 is equal to N by 4. So what fraction came out was 1/4. ठीक है, ये तरीका use करा है मैंने, और इस तरीके में मैंने जो गैस है उसको अपना सिस्टम माना है, ठीक है, एंड फिर उसका कितना इनसाइड आउटसाइड है वो मोल्स कैलकुलेट कर लिए बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम दैट वुड हैव बीन इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। मुझे ज्यादा बेटर तो यही तरीका लगता है, ठीक है, जहां पर मैं वेसल को अपना सिस्टम मानता हूं, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इज गैस इज इनसाइड एंड सम ऑफ इट गोज आउटसाइड, बट ये वेसल के अंदर जितना है वो मेरा सिस्टम है, तो वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी मोल्स एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आई कुड हैव डन दिस मेथड आल्सो, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट मुझे दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सर दूसरे वाले में समझ आ गया, पर वो n कांस्टेंट है वो कैसा है, क्योंकि वो हमारा मतलब, सिस्टम है ना, मतलब मैंने उसी को सिस्टम माना हुआ है। ओके, तो उतना ही गैस है तो वो कांस्टेंट है। ओके ओके, थैंक यू सर, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। बोलो हर्ष। सर आपने एक क्वेश्चन से ये कैसे डिटरमाइन किया कि हमें चेंज इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ गैस पूछा है, मतलब अपने मोल्स, मतलब मैंने ऐसा सोचा द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनली प्रेजेंट एयर व्हिच गोज आउट ऑफ इट, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा सर, तो उसको वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, मतलब एयर के बारे में पूछा है ना कि कितना एयर बाहर जा रहा है, तो एयर का क्वांटिटी तो मोल्स में मेजर होता है ना, मोल्स या मास में। अच्छा सर, ओके, है ना। अच्छा, यू आर सेइंग कि अच्छा तुमने ये बोल दिया कि वी और वी बाय थ्री है, तो तुमने 1/3 आंसर कर दिया। हाँ, वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कई बार, ठीक है। Give me 1 minute, guys.
हाँ ऑल राइट ठीक है, नीचे भी देख लो चाहिए तो ये वाला मेथड भी नोट कर लो, बट आई फाइंड दिस मोर कॉम्प्लिकेटेड। बेटर है आप वो वेसल को सिस्टम मान के सॉल्व करो, ठीक है। ऑल राइट, एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं आप, ठीक है, देन वील रिज्यूम। इन द मेन टाइम कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। वील रिज्यूम, कितना हो रहा है अभी, 12:35 पर रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलो सर्वेश। टोटल वॉल्यूम 4/3 हो गया ना फाइनल, तो इनसाइड वी रहेगा और आउटसाइड वी बाय थ्री रहेगा, मतलब ये वेसल का वॉल्यूम तो वी है जो रेड लाइन के अंदर है, और टोटल अगर टोटल फाइनल वॉल्यूम इज 4V/3 है ना। ठीक है, क्या कह रहे हो कृष्णा? Will the air not tend to move out because it is an open vessel? हाँ हाँ, so the thing is that practically ये थोड़ा सा मतलब imaginary kind of a scenario हो जाता है, मतलब imaginary मतलब difficult to visualize हो जाता है, because हमने ठीक है यहाँ पर इस existing gas को system माना हुआ है, ठीक है। However, this is a more practical visualization कि हम लोग vessel को system मान लेते हैं, ठीक है, and gas अंदर बाहर जा सकती है across this boundary. This is a more practical visualization. ठीक है, हाँ हाँ अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, periodic के doubts मैं थोड़ा सा end में discuss करूंगा, अभी मुझे थोड़े से और questions इस पे कराने हैं। ये density of ideal gas और vapor density थोड़ा सा तो और पढ़ाऊंगा मैं, भागो मत तुम, ठीक है। All right, 12:35 पे रिज्यूम करते हैं।
All right. I think let's resume. कुछ डाउट है आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में लाइक वी डिस्कस्ड ओके ठीक है एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं लेट मी सी इफ यू आर एबल टू डू वन मोर क्वेश्चन लेट मी टेक इट फ्रॉम द बुकलेट ओनली आप लोगों को ये बैरोमीटर मैनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा है ना मैंने वो मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ एक्चुअली हाँ रुक जाओ अभी के लिए तो खैर इट विल बी Alright, so यहाँ पर let me introduce this one more question. इस तरीके से देखेंगे हम लोग एक्चुअली फिर वो पार्शियल प्रेशर का ही करना पड़ेगा वेट ठीक है लेट मी एक्चुअली टेक इट अप वंस आई कंप्लीट पार्शियल प्रेशर वाला पार्ट अभी मैं आपको एक दो क्विक कॉन्सेप्ट पढ़ा के बैरोमीटर मैनोमीटर वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ अच्छा नहीं अपने को तो पीरियोडिक के डाउट्स भी करने हैं ठीक है तो लेट मी क्विकली टेक वन और टू क्विक टॉपिक्स डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट के टाइम पे भी पढ़ा था ठीक है क्विक एक बार रिकैप करेंगे राइट आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे यू कैन सी दैट मोल्स कैन बी रिटन एज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसको मैं थोड़ा सा रिजेक्ट करूंगा वॉल्यूम को राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो दिस मास बाय वॉल्यूम इज समथिंग विच कैन बी रिप्लेस्ड एज डेंसिटी राइट सो यू गेट अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द आइडियल गैस इक्वेशन हाउ टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द गैस सो पी इज द प्रेशर एम स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर वेट ठीक है डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी आर इज योर गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज योर टेम्परेचर ठीक है नाउ If I use the units, यहाँ पे notice करना temperature का Kelvin में you know density और R का value is in atm liter per mole Kelvin pressure atm में and molecular weight is in gram per mole. So what will be the units of density that I'll be getting? राइट सो आई विल बी राइटिंग ग्राम पर लीटर ठीक है यूनिट्स का ध्यान रखना दिस विल बी समथिंग क्रूशियल व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ठीक है अदरवाइज इसमें कोई केयरलेस मिस्टेक हो जाती है राइट सो यहाँ पर लेट मी टेक अप अ क्वेश्चन सिंपलर क्वेश्चन जहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सको
ठीक है, डेंसिटी के यूनिट्स का ध्यान रखना. ट्राई एंड गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड दिस मॉलिक्यूलर वेट इज इन ग्राम पर मोल. ऑल राइट, सो आप लोगों ने इसका आंसर हाँ देख लेते हैं एक बार क्विकली. PM इज इक्वल टू DRT, मेक श्योर अप्रोप्रिएट यूनिट्स में आप कन्वर्ट करके डाल रहे हो. ये ATM है 1.12 × 10⁻¹. दिस इज 2 g/mol, दिस इज ATM, दिस इज ग्राम पर मोल. तो डेंसिटी इज 1.33 एंड दिस इज गिवन टू यू इन ग्राम पर CC. ठीक है, तो इसको ग्राम पर लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आई मल्टीप्लाइड ऊपर नीचे बाय 10⁻³. राइट, सो दैट 10³ सीसी कैन बी रिटन एज लीटर्स. ठीक है, इनटू 0.0821 दिस विल बी ATM लीटर पर मोल केल्विन एंड देन यू गेट द टेम्परेचर इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन. तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो यू शुड बी एबल टू गेट एन आंसर which is 2 × 10⁻¹. ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. आई थिंक सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो यूनिट्स का इंपॉर्टेंस रहेगा. ऑल राइट, एक और क्विक कॉन्सेप्ट सीखना. ये भी आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम सीखा था. आई एम रीइटरेटिंग दैट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस. ठीक है, तो एक बार क्विक इसका रिकैप देख लेना. अगेन इस पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो नहीं आते बट इट बिकम्स पार्ट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, वी डिस्क्राइब दिस वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस एज density of gas upon density of reference gas at same pressure comma temperature conditions. Right, so since the formula of density is something that we now know,
we can write the density of gas as Pm by RT and density of reference gas as P into molecular weight of the reference gas upon RT. All of this gets cancelled out, and what you are left with is molecular weight of gas upon molecular weight of the reference gas, right? Now, since mostly the reference gas is hydrogen, right? So you will get that vapor density is molecular weight of the gas upon 2, right? If reference gas is H2, right? Otherwise, the formula is molecular weight of the gas upon molecular weight of the reference gas. Okay, अब एक और छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को करा देता हूँ ताकि आप उसके ऊपर बेस भी क्वेश्चंस कर पाओगे. सो ऑब्जर्व करना द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है. वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन. ठीक है, नाउ व्हाइल आई एम गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस टॉपिक, टेक्निकली स्पीकिंग दिस शुड बी डन इन अनदर चैप्टर. सो हम लोग बाद में एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का. ठीक है, उसमें मैं ये टॉपिक को डिटेल में लेकर जाऊंगा. ठीक है, अभी के लिए आई विल जस्ट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन सफिशियंट फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस जिसमें ये वेपर प्रेशर यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना. यू हैव अ क्लोज्ड वेसल. ठीक है, इसका कुछ गिवन वॉल्यूम है, गिवन टेम्परेचर कंडीशन में है ये. ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया. ठीक है, यू हैव सम वॉलेटाइल सब्सटेंस, राइट? व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस? राइट, इट कैन बी वाटर, राइट? इट कैन बी इथेनॉल, राइट? इट कैन बी आयोडीन, राइट? कैम्फर. बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस हैज दिस टेंडेंसी ऑफ गोइंग इनटू द वेपर फेस एंड कंडेंसिंग बैक. ठीक है, उसके वेपर्स फॉर्म होंगे. ये तो उसका सॉलिड या लिक्विड फेज होगा एंड उसके वेपर्स फॉर्म होंगे. ठीक है, नाउ दीज वेपर्स, ठीक है, लाइक दे आर लाइक गैस ओनली. ठीक है, दे आर इन गैशियस स्टेट. दीज वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द walls of vessel. ठीक है, now notice करना. ठीक है, at equilibrium. ठीक है, what is meant by equilibrium here? ये जो up arrow है, ठीक है, that is rate of vaporization is equal to rate of condensation. ठीक है, ये जो down arrow है. ठीक है, चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको कलर कोड कर देता हूं. ठीक है, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. उस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है, ऑल्दो इक्विलिब्रियम इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटेल. मतलब एक पूरा चैप्टर डेडिकेट होगा to the concept of equilibrium. ठीक है, after we study thermodynamics, or in fact during the study of thermodynamics also, we will actually talk about what is meant by equilibrium. ठीक है, यहाँ पर के लिए मैं like बहुत ही context specific description दे रहा हूँ equilibrium का. ठीक है, that the rate at which molecules are evaporating and the rate at which they are condensing, ठीक है, that has become same. ठीक है, तो इस टाइम पर
when the equilibrium has been attained, okay, the pressure exerted by vapors of the substance, okay, is called its vapor pressure. Okay, this is what is the definition of vapor pressure. We represent it using the symbol P subscript mein V. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने यहाँ पर वॉटर लिया होता, ठीक है, एंड इस क्लोज वेसल में रखा होता, ठीक है, तो जो वॉटर के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है, उनको हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है. नाउ ऑब्जर्व करना, ठीक है, व्हाट इज समथिंग व्हिच इज पर्टिकुलर अबाउट वेपर्स एंड नॉट अबाउट अदर यू नो गैसेस दैट वी आर गोइंग टू डील विद. तो यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस depends only on temperature and not the shape or size of vessel. ठीक है, इस पर नहीं depend करता, ये important property रहती है. ठीक है, this is again something which we'll study in chemical equilibrium that why is this the case. But अभी के लिए जो information आपके सामने है, for example you have a vessel which is something like this shaped aur isme aapne pani dala hua hai, theek hai, aur you have a vessel which is say similar shape aur usme pani ka quantity alag hai, theek hai, isme itna pani rakha hua hai, theek hai, ya fir you have a different vessel ka shape, theek hai, it doesn't matter, theek hai, ye sab कंटेनर्स के अंदर, ठीक है, लेट्स से वाटर रखा हुआ है, ठीक है, एंड सेम टेम्परेचर पे 298 केल्विन वाटर, ठीक है, तो ये जो वाटर के वेपर्स होंगे इसमें, ठीक है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इन सब केसेस में दैट वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी द सेम. It is not going to depend on the shape or size of the vessel or the quantity of water that is inside. ठीक है, this vapor pressure, as I said, depends only on temperature of a substance. Depends only on temperature. ठीक है, so अब notice करना, ठीक है, how we will differentiate between gas and vapor, ठीक है, while solving our problems, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से observe करना. So let's say you have a vessel, ठीक है, and इसमें you have a gas that is present, ठीक है, and you decide to push down the piston, ठीक है. As volume decreases, what will happen is that the pressure of gas will increase, right? Because n and t are constant. ठीक है. However, if you do the same thing with vapor, ठीक है, तो behavior थोड़ा सा different रहेगा. यहाँ पे notice करना, मान लो ये liquid water है और उसके vapors यहाँ पे present है, ठीक है, एंड यू पुश डाउन दिस वेसल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम आप कम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वेपर कम हो जाएंगे, ठीक है, बट वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है.
होगा क्या, यहाँ पर आप इसको पुश करोगे नीचे तो इस वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंडेंस होकर लिक्विड फेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज करने पर उसके मोल्स चेंज हो जाएंगे, बट उसका वेपर प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ओनली व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बिहेवियर ऑफ अ गैस एंड अ वेपर व्हाइल वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा आपको बाद में, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस मच बेटर, ठीक है, व्हाइल वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन। बट दिस इज समथिंग विच वी विल use as an important point of differentiation between a gas and a vapor, ठीक है। And ये notice करना, the vapor must be accompanied by the liquid or the solid phase ताकि equilibrium maintain रह पाए। इसमें से अगर आप ये गायब कर दोगे तो फिर vapor will not behave in the way that we have described here, ठीक है। So you will have to, मतलब question में वैसे लिख के नहीं आएगा ये, you will have to kind of assume that vapor is present in equilibrium with whatever the solid or the liquid phase of the substance is, ठीक है। That is something which will be an unsaid assumptions while solving questions, ठीक है। इस पे questions कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, in the next class when we are going to discuss, ठीक है। अभी के लिए तो आई एम गोइंग टू यू नो लीव इट अप हेयर ओनली। थोड़ा सा टाइम आप लोग अब पीरियोडिक के डाउट्स के डिस्कशन में लगा देते हैं, लास्ट का आधा घंटा, सो दैट वी आर सॉर्टेड विद इट, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स फिर फुल फ्लेज्ड गैसियस स्टेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। सो अभी नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग न्यू इन द गैसियस स्टेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के डाउट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, जो भी बचे हुए आपके डाउट्स रहेंगे। दोज हु हैव डाउट्स कैन स्टे बैक, दोज हु डोंट हैव एनी डाउट्स और एज सच आर फ्री टू लीव, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्विकली चेंज द हेडिंग, periodic properties doubt discussion। all right bhejna shuru karo, kya kya doubts the aap logon ke, aur ha kya keh rahe ho harsh, if we increase the temperature then pressure also increases, नहीं नहीं आप एक बार में एक वेरिएबल को चेंज करोगे ना, डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ विद चेंजिंग टू थिंग्स एट अ टाइम एंड देन ऑब्जर्विंग द थर्ड थिंग। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हाइल कीपिंग द अदर्स कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, सो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी होते हैं जिनका यू नो हार्डली कोई वेपर्स बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्करी इज क्वाइट नॉन वोलेटाइल, तो मर्करी के वेपर्स यू नो आर समथिंग विच आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल, तो फिर उनके वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा ना उसका, मतलब इन द वेसल, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, देन क्या पूछ रहे हो गौतम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिसिटी। Ionicity is something which you can think of as the valency, ठीक है। Then reducing agent is a substance which itself undergoes oxidation, that means it loses electrons, ठीक है। So metals are typically reducing agents, क्योंकि metals खुद electrons lose करके oxidize होते हैं, सामने वाले को reduce करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर टिपिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज दे देमसेल्व्स वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड अंडरगो रिडक्शन,
so they will be oxidizing others, so they are called as oxidizing agent. ठीक है, then penultimate shell means second last shell. Ultimate shell मतलब last shell, penultimate means second last shell. ठीक है, all right. Then कौन सा कह रहे हो गौतम, ये integer 3 कौन से section में से बोल रहे हो? Which section does this belong to? Window to advance में. All right. Window to advance में integer. Integer कहाँ है window to advance में? अच्छा get equipped to advance कह रहे हो, get equipped to advanced उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, मैट्रिक्स मैच है और फिर इंटीजर है. ऑल राइट, तो इसका कौन सा थर्ड इंटीजर? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय कैल्कोजेंस. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज लाइक वैलेंसी नो. ठीक है, तो यहां पर एक कैल्कोजेंस क्या हो गए, ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है, सो लेट्स टेक सल्फर एज एन एग्जांपल. ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे सल्फर जब SO3 बनाता है, ठीक है, तब उसमें उसका वैलेंसी +6 रहता है. ठीक है, बिकॉज ईच ऑफ द हाइड्रोजन इज -2. ठीक है, तो दैट इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, और भी कंपाउंड ऐसे जिसमें ये शो करेगा, बट मैक्सिमम विल बी +6. यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर दैट ये जो कॉन्फिगरेशन रहेगा कैल्कुलेशंस का, ये कैसा है आपका NH2 NP4. ठीक है, तो ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन के लिए, ठीक है, दे कैन आइदर गिव, ठीक है, नॉट गिव एग्जैक्टली, दे जनरली टेंड टू शेयर. ठीक है, शेयर 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है फॉर अक्वायरिंग द ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन. तो इसका वैलेंसी जो रहता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोलते हैं, वो -2 से 6 के बीच में वेरी करता है, -2 से +6 के बीच में. ठीक है, ऑल राइट, देन विंडो टू एडवांस का थर्ड क्वेश्चन. विंडो टू एडवांस्ड, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज लार्जर देन. तो इसमें आप जहां पर आप देखोगे चार्ज सेम है तो साइज से कंपेयर करते हैं, साइज कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, अदरवाइज पहला फैक्टर तो चार्ज ही है. तो Mg2+ विद अ सिमिलर साइज Na+ के साथ कंपेयर करूंगा तो Mg2+ का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा. ठीक है, देन 10th क्वेश्चन यू आर आस्किंग. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये वाला आपका डाउट है. इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन जाके जज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट करेक्ट पूछा है ना,
ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये करेक्ट है. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर देन मेटालिक एलिमेंट्स, ये भी करेक्ट है. द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये भी करेक्ट है. बीच में एक्सेप्शन आते हैं. ठीक है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सबशेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं ना. एक्सेप्शंस लाइक क्रोमियम, कॉपर, तो इसमें दे आर नॉट फिल्ड इन डी सबशेल्स इन अ मोनोटोनिक मैनर. मोनोटोनिकली मतलब होता है कि जस्ट एक एक का इंक्रीज करते जा रहे हैं. ठीक है, एक एक का इंक्रीज होता जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा ना. क्रोमियम एंड कॉपर के केस में देर इज दिस मोनोटोनिसिटी का ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज देर विल बी एन एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन. दैट इज वॉट मेक्स दिस ऑप्शन इनकरेक्ट. ठीक है, देन 16th question इसी के अंदर, ये वाला लीस्ट स्टेबल आयन, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना. ठीक है, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा टाइपो भी है. इट इज नॉट Li प्लस, इट इज एक्चुअली Li माइनस ओनली. ठीक है, दिस इज नॉट Li प्लस, दिस इज Li माइनस. तो इसमें हम लोगों ने देखा था दैट इसका करेक्ट आंसर बेरिलियम ही होगा, बिकॉज डेल्टा एच ई जी ऑफ बेरिलियम इज पॉजिटिव. बाकी सबके केस में हीट रिलीज होगी, बट इसके केस में हीट अब्सॉर्ब होगी. ठीक है, सो उसका जो आयन बनेगा बी माइनस आयन, दैट विल बी द लीस्ट स्टेबल अमंग्स द ऑप्शन दैट आर गिवन. देन एमसीक्यू में से क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू आयोनिक रेडियस वाला ये. अच्छा हाँ, सो इसमें एक्चुअली देखो ये हमने देखा था, इसमें आप नोटिस करोगे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इसमें मैंगनीज का जेड ज्यादा होगा तो उसका साइज कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया. ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑफ Mn प्लस 7 विल बी ग्रेटर देन द जेड इफेक्टिव ऑफ Ti4 प्लस. तो अगर मैं साइज के बारे में बात करूंगा तो Mn प्लस 7 का साइज शुड बी लेसर देन दैट ऑफ Ti4 प्लस. ठीक है, देन ये दोनों आइसोटोप्स हो गए. ठीक है, आइसोटोप्स में दिस इज समथिंग विच आप इसको ध्यान में रख के चलो. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू कैन रिमेम्बर दैट ग्रेटर द मास ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, ग्रेटर द मास ऑफ न्यूक्लियस, लेसर द साइज ऑफ एटम और आयन. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ऑपोजिट आंसर होगा. Cl37 जो ग्रेटर मास वाला आइसोटोप है उसका साइज छोटा रहता है. ठीक है, नहीं प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम है ना, डिफरेंस तो न्यूट्रॉन्स से आता है आइसोटोप्स में, तो प्रोटॉन्स तो दोनों में ही सेम है. नाउ वो न्यूट्रॉन से जो डिफरेंस आता है दैट इज समथिंग विच इज कैप्चर्ड इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास. ठीक है, वो थोड़ा सा रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट आप फ्यूचर के लिए इसको ध्यान रख सकते हो. ठीक है, दैट अगर हम दो आइसोटोप्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, देन ग्रेटर द मास स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ द एटम. ठीक है, देन अगेन ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, अगेन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बीच में राइट यू कैन अंडरस्टैंड दैट जेड इफेक्टिव ऑफ K+ इज मोर देन Cl-, तो साइज फिर K+ का
छोटा रहना चाहिए एज कम्पेयर टू सी एल माइनस, तो ये भी गड़बड़ हो गया. एंड लास्ट वाला तो सही होगा ही सही, बिकॉज द मोर इलेक्ट्रॉन्स वी रिमूव द स्मॉलर द एटम बिकम्स. ठीक है, नाउ assertions and reasons में question number two. assertion reason में question number two. अरे मेरा तो two गायब है. I don't have assertion and reason question number two in the given PDF that I have. वो पता नहीं गायब हो गया होगा कहीं पे. ठीक है, ऑल राइट. देन इसके बाद में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट छोड़ दो अभी गौतम. बॉन्ड लेंथ एंड ऑल ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए लेट इट बी. अच्छा, देन विंडोज टू मेन का 11th क्वेश्चन. ओके, विंडोज टू मेन का 11th क्वेश्चन. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज, तो इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके करो ना, मतलब एक्सेप्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, इसमें यूज ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब जैसे आपको कंपेयर करना है सल्फर एंड फॉस्फरस, दे आर इन द सेम पीरियड. ठीक है, सल्फर एंड फॉस्फरस, एंड इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फरस ग्रेटर देन सल्फर, ये एक्सेप्शन होता है. ठीक है, तो अब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. अब आपको ए और डी के बीच में सोचना है. ठीक है, नाउ अब आप ए और डी के बीच में सोचना चाह रहे हो, तो लेट्स से आप फ्लोरीन और फॉस्फोरस का कंपैरिजन देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, बिटवीन फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस यू कैन थिंक दैट नाइट्रोजन और फ्लोरीन में नाइट्रोजन ज्यादा होता है और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है. तो दिस इम्प्लाइज that phosphorus is less than fluorine. ठीक है, तो phosphorus less than fluorine है, तो फिर एक D option ही answer बचा. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा relate करना पड़ता है. All right, then question number 16th. हाँ, ये तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी एटॉमिक नंबर 64. सो इसमें ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन ही है. अब इसमें व्हाट यू कैन डू इज काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो मे बी एटॉमिक नंबर. तो ये कम्स आफ्टर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन. ठीक है, ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ज़ेनॉन? 36 प्लस 18, 54 होता है ना. तो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे आफ्टर दैट. नाउ 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दीज आर 16 इलेक्ट्रॉन, दीज आर 10 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन. अब ये तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, बट इन दोनों में से अब लाइक 4F और 5D4, ये थोड़ा एब्सर्ड हो गया कि 5D में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर गए. 5D1 का एक्सेप्शन मुझे समझ में आता है, वो लैंथेनम के टाइम पे आता है. ठीक है, तो 6s भरने के बाद में 5D भरा एंड 5D भरने के बाद में 4F भरा होगा, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है. ठीक है, उस तरीके से मैं गैस करूंगा.
ठीक है ऑल राइट देन मेंस का गेट इक्विप्ड टू मेंस का 18 गेट इक्विप्ड टू मेंस का 18 कहाँ ले जा रहे हो ईशान तुम गेट इक्विप्ड टू मेंस का 18 ये ऑक्साइड नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी ना एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज और चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ठीक है देन विंडोज टू मेन का 13 ये तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन करो ना ये मतलब इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है लाइक यू विल हैव टू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन इन दिस राइट इसमें ये गड़बड़ हो गया ना बिकॉज अपन ने ये पढ़ा था हाइड्रा एसिड्स ठीक है डाउन द ग्रुप एसिड नेचर इंक्रीज करेगा तो फिर बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा ना तो उसी से ये इंस्पिरेशन लिया हुआ है ठीक है बाकियों के लिए भी अपन ने पढ़ा था इसमें भी ये डाउन द ग्रुप कैसा हो जाएगा PbO2 will readily want to undergo ये inert pair effect से आंसर करोगे राइट ये करेक्ट है ये इसका रीजन तो सेम हाइड्रो एसिड वाले ही हो गया एंड दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम द एक्सेप्शन जो हमने पढ़े थे ठीक है ये हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन का एक्सेप्शन है देन विंडोज टू मेन का 20th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये थोड़ा सा आई थिंक ट्रिकी है ठीक है आप ये तो बता सकते हो कि Na का पोटेशियम से कम है सॉरी Na का पोटेशियम से ज्यादा है ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस राइट सो इसमें सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम ये तो हम लोग कर सकते हैं अब ये स्कैंडियम कहाँ प्लेस करेंगे इसमें ठीक है तो ये स्कैंडियम दिस इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन एलिमेंट नाउ अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कैसे प्लेस करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कंपेयर हो जाता है बट अब मुझे अगर गैस वर्क करना रहेगा ठीक है तो इसको मैं डी ब्लॉक का बोलूंगा डी ब्लॉक का है ये एंड डेफिनेटली ये पोटेशियम से तो ज्यादा ही होगा ठीक है बिकॉज अक्रॉस पीरियड
ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है, बट क्या ये सोडियम से भी ज्यादा होगा? तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गैस वर्क करना, बट अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि डी ब्लॉक का है, तो मैं एक बार गैस वर्क करके इसको स्कैंडियम में बोलना चाहूंगा, ठीक है. तो दैट विल बी यू नो जजमेंट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज थोड़ा सा तो ट्रिकी है ये, ठीक है. देन विंडोज टू एडवांस्ड का 10th, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया अभी, ठीक है. देन उसके बाद हर्षल के डाउट्स हैं. हर्षल, ये जेई मेंस के मतलब गेट इक्विप्ड के हैं कि विंडोज के हैं जो तुमने डाले हैं 1, 7, 8, 18? गेट इक्विप्ड टू मेंस के, बहुत सारे रेपिटेशन लग रहे हैं मुझे. वन, ये क्रोमियम हो गया ना, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना ये, तो क्रोमियम को ढूंढो कहां पर था ये. देन सेवेंथ वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट से आंसर करना है, ठीक है. सेवेंथ वाले में इनर्ट पेयर इफेक्ट से आंसर करोगे तो इसमें प्लस 3 जो रहेगा वो बिस्मथ का सबसे ज्यादा रहेगा स्टेबल एज कंपेयर टू दीज अदर एलिमेंट्स, ठीक है. एट्थ वाला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. 18th वाला भी जस्ट अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. जस्ट अ मिनट. हाँ, बस ऑल राइट, सॉरी गाइस. सो 18th वाला तो क्लियर है. देन 21st वाला, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर 103 वाला. देन 26 में आप कॉन्फ़िगरेशन से मत जज करना, ठीक है. ये जो 26 क्वेश्चन है हर्षल, इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज डिसाइफर द एलिमेंट, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर कन्वीनियंट वे ऑफ आंसरिंग, ठीक है. ये आपका क्लोरीन रहेगा, यह आपका नाइट्रोजन रहेगा, यह आपका क्लोरीन रहेगा और ये आपका सोडियम रहेगा. नाउ यू आंसर. ओके सर, ठीक है. देन 32, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, दिस इज समथिंग विच वी डिस्कस इन द क्लास. इसमें आप देखो ना कौन सा किसका ऑपोजिट है. सर इसमें मुझे फर्स्ट और ए और दो में डाउट आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था. मतलब आप देखो ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट होना चाहिए ना, सीएल से सीएल माइनस बन रहा है और फिर Cl- से Cl बन रहा है, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे का ऑपोजिट हुए ना. बाकी तो और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है एक दूसरे का. ओके सर, तो फर्स्ट वाला हो गया. हाँ, देन 34th में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, दिस इज एन एक्सेप्शन. देन 37th, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. 38th, सर 37th वाला नहीं मिल रहा था उसमें. इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है ना, दैट यू नो द साइज वाला पार्ट, दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. क्लोरीन का नाइट्रोजन से ज्यादा क्यों है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. बाकी तो एक्चुअली
there are other options also which are there, but this is what the best option is. Okay. Then 38th में ये अपन वो formula use करो ना percentage ionic character वाला. So sir, पर ये coordinate covalent और polar covalent वो क्या है मतलब? वो छोड़ा रुक जाओ चलो chemical bonding में पता ही है क्या होते हैं ये. ठीक है. फिर 40th ये तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. तुम 40th क्वेश्चन पे तो हमने करीब 15 मिनट स्पेंड किए थे. तुम वो ढूंढो कौन से लेक्चर में किया था और फिगर आउट करो सर. और मुझे एक डाउट था वो अगर हम F- और O2- को कंपेयर करें साइज के बेसिस पर सर तो उसका उसमें कौन सा पड़ा होगा F- और O2- में? O2- बड़ा होगा ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ना दोनों. हाँ सर, पर लाइक अगर हम साइज के बेसिस पर जाते हैं तो ऑक्सीजन बड़ा रहता है, पर लाइक अंदर के प्रोटॉन्स दोनों में अलग अलग रहेंगे ना. नहीं ना, अरे वही तो. ओके, ओ टू माइनस और एफ माइनस का मैं साइज कैसे कंपेयर कर रहा हूँ? इनका जो सिग्मा होगा वो सेम होगा क्योंकि सेम कॉन्फिग्रेशन है. जेड जो होगा वो फ्लोरिन का ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव फ्लोरिन का ज्यादा हो गया तो साइज फ्लोरिन आयन का कम होगा. कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्टर्स हो जाएंगे. ओके सर, ऐसे नहीं कंपेयर कर पाएंगे सर. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अगर हमने लाइक लर्न की है वो तो है, और लाइक अल्कली मेटल भी नहीं है तो हमें उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी लाइक अगर कंपैरिजन में पूछा है तो? मतलब जनरली 1 से 1.5 के बीच में रहेंगी जनरली. मेटल्स की वैल्यूज इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती हैं सर. मतलब अगर कोई नॉन मेटल दे दिया और हमने उसकी वैल्यू लर्न नहीं की तो? नहीं नहीं, आपको वैसा दिक्कत नहीं आएगी. समहाउ यू विल बी एबल टू कोरिलेट. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. ठीक है. अच्छा, देन सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के डाउट्स हैं. सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस इनके मैं करता हूँ, या तो फिर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के आंसर्स भेज देता हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, मैं सब्जेक्टिव वाले के जो जो करेक्ट आंसर्स रहेंगे आई विल सेंड देम अक्रॉस. ठीक है, ऑल राइट. बाकी थोड़े बहुत और बचे हैं असाइनमेंट के, वो डाउट्स मैं करता हूँ अगली बार. ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं जो भी बचे हुए डाउट्स हैं अभी. ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हो गए. थोड़े से बस ये तुम्हारे कृष्णा और सर्वेश तुम्हारे ही बचे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं. मुझे अभी एक्चुअली कोई आया है जिससे मिलना है, सो We'll take this up in tomorrow's class. जो भी बचे हुए छोटे से doubts हैं, plus मैं हाँ DPP के doubts भी next class में ले लूँगा. मैं आप लोगों को थोड़े से questions और दूंगा आज practice करने के लिए. अगर time मिले तो देखना, try करना. ठीक है, from gaseous state only. But क्या मुझे time नहीं मिलने वाला, मुझे अभी कहीं भागना है फटाफट. ठीक है, चलो, take care guys. See you tomorrow.